सोलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सो फ्रेंड्स ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि रिलायंस अंबानी जी के कितने बिजनेसे हैं रिलायंस के कितने बिजनेस है तो आप बताएंगे रिलायंस का जियो है रिलायंस का इंडस्ट्रीज है इसके अलावा एक दो बिजनेस आपको पता होंगे बट क्या आपको पता है कि रिलायंस के बहुत सारे बिजनेस हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस पेट्रोलियम रिलायंस ट्रेंड्स आजियो रिलायंस सीमेंट्स और ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्या बोलते हैं रिलायंस के पास है सेम चीज अगर मैं आपसे टाटा से पूछता हूँ तो बहुत लोगों को पता होगा टाटा की बस दो तीन कंपनीज है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और उसे ज्यादा लोगों को पता है टाटा मोटर्स क्या आपको पता है टाटा के भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है टीसीएस है टाटा स्टील है वोल्टाज भी टाटा की है क्रोमा भी टाटा की है ऐसे बहुत सारे टाटा कम्युनिकेशन टाटा पावर ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम टाटा के पास भी है ऐसे जितने भी आ, क्या बोलते हैं बड़ी कंपनीज है उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं सो फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए मल्टीपल सोर्स मतलब मल्टीपल मार्केट्स होनी चाहिए जिसमें आप ट्रेड कर सकें और यही पर फ्रेंड्स हम लोग का एडन होता है फॉरेक्स मार्केट ये फर्स्ट वीडियो है हमारे पूरे चैनल पे जहाँ पे मैं आपको फॉरेक्स मार्केट पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी डेफिनेटली मे भी समझ में आई हो ना समझ में आई हो बट आज की वीडियो के बाद आपको पूरी चीज़ें फॉरेक्स के बारे में डेफिनेटली क्लियर होने वाली हैं तो पहला क्वेश्चन ये आता था कि इंडियन मार्केट में ट्रेड करें तो फॉरेक्स में क्यों जाए ठीक है देखिए क्या होता है क्या मैं से बहुत लोग ऐसे हैं जो नाइन टू फाइव जॉब करते हैं नाइन टू फाइव जॉब करते हैं इसमें क्या मेन मैटर क्या होता है कि नाइन टू थ्री नौ पंद्रह से लेकर तीन बजे तक मार्केट ओपन रहता है साढ़े तीन तक तो जो मैक्सिमम जनता है वो ट्रेड नहीं कर पाती है डेफ़िनेटली हम लोग एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के सो फॉस्ट ट्रेडिंग क्या होती है फॉरेस्ट ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए क्या फॉरेस्ट ट्रेडिंग लीगल है या फिर इलीगल है बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है फॉरेस्ट ट्रेडिंग से कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं पिप्स क्या होता है स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ट्रेडिंग कैसे करते हैं लॉट साइज़ क्या होता है सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फॉरेस्ट ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए मैं हमेशा एक चीज़ बिलीव करता हूँ मैं केवल ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ मैं वन ऑप्शन भी करता हूँ मैं फ्यूचर भी करता हूँ मैं स्विंग भी करना पसंद करता हूँ डेफिनेटली करता हूँ इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ क्रिप्टो भी करता हूँ और डेफिनेटली मैंने करेंसी भी हमने स्टार्ट कर दी है सेम चीज़ अगर आपको पता है कि ये मार्केट साइडवेज है तो कम से कम आपके पास ऑप्शन तो रहे कि मैं दूसरे मार्केट में ट्रेड कर सकूँ अगर इंडियन मार्केट साइडवेज है तो आप फॉरेक्स में कर सकें फॉरेक्स साइडवेज है तो क्रिप्टो में करें तो समझाने का मतलब ये है इसकी अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग अपने आप ट्रेडिंग uh, स्टाइल में ऐड कर, करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे सभी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलूंगा एवरी आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू सबसे पहला क्वेश्चन आता है फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसे हम लोग इंट्राडेट ट्रेडिंग करते हैं रिलायंस में टी में विप्रो में अडानी में सेम तरीके से आप करेंसी पेयर्स में जब ट्रेड करते हैं तो उसको हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं इसमें बहुत सारे वॉचलिस्ट होती है मैं आपको डेफिनेटली वॉचलिस्ट बताऊंगा आप अपनी फॉरेक्स की मास्टर वॉच लिस्ट कैसे बना सकते हैं दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है तो देखिए गाइज फॉरेक्स की जो कंपनी है जो ब्रोकर है मान लीजिए एक्सन डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन से एक्सनएस में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे मैं आपको अभी गाइड करूंगा तो आपको मेरे साइड से एक आपको फ्री गिफ्ट कोर्स का मिलेगा बस आपने हमें व्हाट्सअप करना होगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे तो जो ब्रोकर है मान लीजिए एक्सनएस ब्रोकर है अब एक्सनएस क्या है कि मलेशिया में काम करता है पाकिस्तान में काम करता है दुबई में काम करता है एक्सपाइजी जगह काम करता है अपने ग्लोबल प्लेटफॉर्म से पैसे भेजता है पैसे निकालता है पर जैसे ही वो इंडिया में आता है तो उसको ये चीज़ अलाउड नहीं है ठीक है इंडिया में ये चीज उसको अलाउड नहीं है कि डायरेक्ट वो अपने ग्लोबल अकाउंट से पैसे ट्रांसफर एंड विद्रॉ लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है और यहीं पे मैं आपको समझाना चाहता हूं तो उन्होंने क्या किया है लीगलिटी के लिए इंडिया में कोई कंपनी खोल दी उन्होंने कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी कोई एल कंपनी या फिर कोई एजुकेशन कंपनी और उसके नाम से उसके बेस पर क्या बोलते हैं वो यहां बन गए उसके बेस पर लोग फंड आपका जो फंड है वो वहाँ पे जाता है वहाँ से विद्रॉ होता है ऐड होता है तो पैसा बाहर नहीं गया तो ये कहीं ना कहीं आपका लीगल है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं यार सब लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं फॉरेक्स में एक्सएनएस ब्रोकर वैसे बहुत सारे ब्रोकर हैं इंडिया में जो कही कहीं ना कहीं फर्जी है एक्सएनएस स्टैंडर्ड ब्रोकर है अच्छा ब्रोकर है और आपको बहुत बढ़िया मार्जिन भी देता है इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सन यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा गई हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको सभी चीज़ें स्टेप वाइज स्टेप वाइज बताने वाला हूँ प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए या फॉरेस्ट ट्रेडिंग की नंबर वन वीडियो है, इसके अलावा एक और वीडियो आएगी बट इसमें आपकी 90 परसेंट क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी चलिए चलेगा स्क्रीन पर चलते हैं हम लोग कायम रहेगा एक छोटा सा कम से कम फाइव लाइक फाइव लाइक चाहिए लाइक कम इसलिए रखा हूँ बिकॉज फॉरेस्ट ट्रेडिंग की जनता थोड़ी सी कम है डेफिनेटली धीरे धीरे बढ़ रही है इसके अलावा सभी लोग इस वीडियो को शेयर करने वाले हैं आपकी अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं चलेगा स्क्रीन पे चलते हैं थैंक यू के बारे में बताऊं सो फ्रेंड्स हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में कवर किया फॉरेस्ट ट्रेडिंग क्या होती है क्या एडवांटेजेस है और हम लोगों ने लीगलिटी पर भी बात करी अब हम लोग कवर करने जा रहे हैं जैसे हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं जब हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं सेम बता दिए कि हम लोग फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे तो किस में करेंगे कौन से करेंसी पेयर में करेंगे जो आपने करेंसी पेयर्स बताए सो मैं आपको वो करेंसी पेयर्स बताने जा रहा हूँ आपकी मास्टर वॉचलिस है चाहे तो आप इसका स्क्रीन भी ले सकते हैं और इसको आप डेफिनेटली अपने वॉलिस में ऐड करने वाले हैं तो पहले वॉचलिस समझ लेते हैं स्टेप वाइज सभी चीज़ें बताऊँगा सभी चीज़ें क्लियर होने वाली है पहली चीज़ आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो आप क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हो इसके अलावा यूरो यूरो यूएसडी, ब्रिटिश पाउंड यूएसडी यूएस यू एस डॉलर स्विस् फ्रैंक यू एस डी यान यू कैनेडियन डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर न्यूजीलैंड डॉलर इन सब में हम ट्रेड कर सकते हैं ठीक है इनमें एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है चार्ट में हम लोग डेफिनेटली बाद में बात करेंगे पहली चीज़ क्लियर हो गई आपकी वॉच लिस्ट की इन वॉच लिस्ट में आपने ट्रेड करना है दूसरी बात आती है फ्रेंड्स अकाउंट कहाँ ओपन करें बिकॉज आप जेरोधा एंजल अपस्ट्रॉक्स फायर धन में ट्रेड नहीं कर सकते हैं ठीक है इसमें फॉरक्स ट्रेडिंग अलाउड नहीं है तो हम लोग क्या करना है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के जाना है अगर आप हमारे लिंक के थ्रू करेंगे ये एक लिंक है यहाँ पे आपने अकाउंट ओपन करना है फॉरेक्स का मैं लिखा हूँ एकदम टॉप पे रहेगी फ्री फॉरेक्स अकाउंट यहाँ पे क्या करना है आपने यहाँ सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है ठीक है एक चीज़ कॉपी कर लीजिएगा यहाँ से एक चीज़ कॉपी करनी होगी ये पार्टनर कोड जरूर कॉपी कर लीजिएगा जिससे कि हमारे अंडर ओपन हमारे अंडर ओपन हो गया तो जैसे कि मैंने बताया आपको मैं अपने थ्रू आपको एक बहुत बढ़िया कोर्स फ्री में दूंगा जिसके लिए मार्केट में लोग आपसे बीस पच्चीस तीस पचास हज़ार रुपये चार्ज करते हैं मैं फ्री में दूंगा ठीक है ग्रुप में ऐड किया जाएगा लर्निंग के लिए आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी यहाँ पर आपने सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करना है जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे अपना कंट्री सेलेक्ट कीजिए जैसे मान लीजिए मेरा कंट्री है इंडिया मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया अपना इमीरेट एड्रेस डालिए पासवर्ड डालिए यहाँ पे पार्टनर कोड आ रहा है तो यहाँ पर जो आपने पार्टनर कोड कॉपी किया है ठीक है इस पार्टनर कोड को आप कॉपी कर लीजिए या फिर टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दीजिए ठीक है कंट्रोल कंट्रोल वी से भी आप पेस्ट कर सकते हैं आप नहीं मेरे ड्रेस डाल दिया पासवर्ड डाल दिया कंटिन्यू कर दीजिए इसके बाद आप डेफिनेटली के वाई सी करनी होती है नॉर्मल उससे आप के करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं ब्रोकर आपका अकाउंट ओपन कर देगा थोड़ी देर में अब आप आपके पास वॉच लिस्ट है पहला स्टेप दूसरा वो स्टेप है आपके पास एक अच्छा अकाउंट है अच्छा अकाउंट है अच्छा ब्रोकर है बहुत सारे फर्जी ब्रोकर हैं जैसा कि मैंने बताया उनसे बच के रहें एक्स एन एस में सजेस्ट करूंगा आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग सजेस्ट करते हैं ठीक है अब यहां पे थोड़ा बहुत समझते हैं ठीक है जैसे यहाँ पे लिखा है यूरो यूएसडी ठीक है यूरोस डी लिखा है या फिर यहाँ पे लिखा है यूएसडी कैनेडियन डॉलर ठीक है या फिर यहाँ पे लिखा है यूएसडी स्विस फ्रैंक तो इसका मतलब क्या है यह वॉचलिस का मतलब क्या है इसको कैसे ट्रेड करते हैं ठीक है तो पहली चीज तो आपको समझना पड़ेगा अगर यहां पर लिखा है यूरो यूएसडी तो इसका मतलब समझना पड़ेगा देखिए ये आपकी बेस करेंसी हो गई इसको हम लोग बोलते हैं बेस करेंसी दूसरा होता है ये आप बोल सकते हैं सेकेंडरी करेंसी ठीक है जैसे इसकी वैल्यू है मान लीजिए अभी इसकी वैल्यू कितनी है अभी आप देखेंगे तो यूरो यूएसडी की वैल्यू कितनी है वन ठीक है अगर आप देखेंगे तो वन है ठीक है सेम चीज़ अगर आप यू एस का देखेंगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारे इंडिया का तो गाइज अगर आप यूएसडी एस आई देखेंगे तो जैसा कि हम लोग बोलते हैं यूएसडी एस आई आपको देखने को मिलेगा एटी थ्री का यू आपकी हो गई बेस करेंसी आई हम लोग की हो गई सेकेंडरी करेंसी अब यहाँ पे क्या है एट्टी थ्री है इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक यू डॉलर अगर मैं एक यू डॉलर को कंपेयर करता हूँ रुपीज़ में तो उसकी वैल्यू आती है एट्टी थ्री कितनी आती है एट्टी थ्री सेम चीज़ अगर आप यूरो डी में करेंगे तो एक यूरो एक यूरो की वैल्यू कितनी आती है वन यूएसटी ठीक है ये बेस करेंसी है ना बेस करेंसी हमेशा पहले आएगी तो ऐसा है अब इसको आप समझ गए दूसरी चीज चार्ट पे भी डेफिनेटली मैं आपको समझाऊंगा सभी चीज़ समझाऊंगा पहले आप बेसिक चीज़ समझ लीजिए अब बात आती है लॉट साइज एंड पिप्स की लॉट साइज क्या होता है एंड पिप्स क्या होते हैं सो तो देखिए इस अगर आप गूगल पे के सर्च करेंगे वॉट इज पिप्स या फिर वॉट आर पिप्स ठीक है अगर आप वॉट आर पिप्स सर्च करोगे ठीक है तो यहाँ पर मैंने सर्च किया तो ए पिप इज अट ऑफ मेजरमेंट फॉर द स्मॉल प्राइस मूवमेंट ऑफ एन एक्सचेंज रेट ठीक है इतना सब समझने की जरूरत नहीं है मैं आपको बेसिक समझाता हूँ कुछ नहीं करना है पिप को पहले कैलकुलेट करने के दूसरे ओल्ड तरीके थे यहाँ पे बहुत आसान तरीका है आपको क्या करना है जैसे मान लीजिए यूरोसिटी का मैंने चार्ट खोला है और मुझे यहाँ पे क्या करना है स्केल पे क्लिक करना मेजर पे। अब अगर आप देखेंगे यहाँ से ट्रेंड चालू हुआ है यहाँ तक ठीक है तो कितने पिप से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिफ्टी टू पिप से माइनस है डेफिनेटली मतलब डाउन साइड का बना है तो फिफ्टी टू पॉइंट टू पिप से अभी डेफिनेटली मैं इसको लॉड साइड से आपको सिंक कराऊंगा उससे अच्छे से क्लियर होगा रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर जैसे मान लीजिए मुझे देखना है इस ग्रीन कैंडल का पिप देखना है कितने ग्रीन कैंडल की पिप है तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा यहाँ पर ओपन किया और यहाँ से देखेंगे अगर आप तो ट्वेंटी एक लगभग 23.2 पिप्स की ये कैंडल बनी हुई है ठीक है तो आपको इतना ही समझना है पिप्स का मतलब होता है पॉइंट इन परसेंटेज डिफिनेटली उतना जानने की जरूरत नहीं है मैं उन चीज़ों पे बात करूँगा जो कि आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा अब यहाँ सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो कि आपको समझना चाहिए लॉट साइज़ ठीक है अब लॉट साइज़ का मतलब फॉरेक्स में क्या है यहाँ पर बहुत लोग का डाउट रहता है मैं एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा देखिए देखिएगाइज अगर आप एक लॉट लेते हैं ठीक है अगर आप एक लॉट लेते हैं और अगर आपका एक पिप का मूवमेंट होता है फॉरेक्स में ठीक है तो आपको दस डॉलर का प्रॉफिट होगा ठीक अगर आप दो पिप का मूवमेंट होता है एक लॉट पे तो आपका बीस डॉलर का प्रॉफिट होगा ठीक है अगर आपका पांच पिप का मूवमेंट होता है तो आपको कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा फिफ्टी डॉलर का प्रॉफिट होगा तो ये थोड़ा सा डेफिनेटली अगर आपकी कैपिटल स्मॉल है तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए दिक्कत हो सकती है अब हम लोग क्या करते हैं बेस मानते हैं बेस किस मानते हैं पॉइंट लॉट को पॉइंट वन लॉट को आप बेस मानने वाले हैं अब अगर क्या है कि अगर एक पिप मूवमेंट होगी ठीक है अगर आपकी एक पिप मूवमेंट होगी तो आपको कितना प्रॉफिट होगा एक डॉलर का प्रॉफिट होगा अगर आपका दो पिप का मूवमेंट होगा तो आपको कितना डॉलर का प्रॉफिट होगा दो डॉलर का होगा ठीक है अगर आपका दस पिप का मूवमेंट होता है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा दस डॉलर का प्रॉफिट होगा अब मैंने ऐसा क्यों बताया बिकॉज स्मॉल कैपिटल है डेफिनेटली मैं आपको अभी चार्ट बताऊंगा कैसे हम ट्रेड करने वाले हैं तो पॉइंट लॉट को आप बेस मानने वाले हैं कितना पॉइंट वन लॉट को आप बेस मानने वाले हैं जब आपकी कैपिटल अच्छी हो जाए पाँच सौ एक हजार दो हज़ार डॉलर तो डेफिनेटली आप अपना आ, उसको क्या बोलते हैं लॉट साइज को बढ़ा सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट को अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हैं तो ये तो हो गया गाइस आपका लॉट साइज एंड इसके पहले मैंने आपको बताया पिप्स तो देखिए गाइस अगर हम लोग गूगल पे के सर्च करते हैं एक्सन कैलकुलेटर तो आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ बिकॉज मार्जिन समझना बहुत जरूरी है बहुत लोग को मार्जिन जानना होता है ये अकाउंट टाइप है स्टैंडर्ड्स में बहुत सारे टाइप है हम लोग स्टैंडर्ड मान के चलेंगे यूएसडी हम लोग मान के चलेंगे और हम लोग जीरो यू को सेलेक्ट करेंगे लॉट हम लोग रखेंगे पॉइंट वन और अगर आप कैलकुलेशन पे क्लिक करोगे तो आपको देखिए पॉइंट वन लॉट ट्रेड करने के लिए फिफ्टी फोर पॉइंट सेवन वन क्या बोलते हैं मार्जिन चाहिए स्प्रेड कॉस्ट स्प्रेड कॉस्ट क्या होती है ये लोग जो ब्रोकर हैं फॉरेक्स में ये लोग स्प्रेड कॉस्ट से ही डेफिनेटली लोग पैसा बनाते हैं कमीशन जीरो है हाँ इनकी कमीशन कुछ नहीं है ये जो भी है स्प्रिट से ही पैसे बनाते हैं स्वैप शॉर्ट स्वैप लॉन्ग ये सब जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो यहाँ पर अगर आप लेवरेज देखेंगे तो अगर मैं लेवरेज बढ़ा देता हूं ठीक है 500 कर दूंगा कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे आपको केवल 21 डॉलर देने पड़ेंगे तो देखिएगा कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप लेवरेज बढ़ाएंगे तो आपको मार्जिन कम देना पड़ेगा ये आपको पता होना चाहिए बट क्या इतना लेवरेज यूज करना चाहिए एज एन ट्रेडर एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि वन इज टू हंड्रेड भी बहुत ज़्यादा होता है डेफिनेटली मैं कहूँगा वन इस टू टेन वन इस टू ट्वेंटी फाइव वन इज टू फिफ्टी अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आपका ट्रेड परफेक्ट है तो आप यूज़ कर सकते हो अनलिमिटेड लेवरेज मिलता है क्या अनलिमिटेड लेवरेज मिलता है इतना अच्छा ब्रोकर भी आपको लिलिमिटेड लेवरेज मिल रहा है दे रहा है तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके की यहाँ पर लेवरेज मिलती है बट हाँ एक फायदा मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन अगर आप ट्रेड करते हैं ठीक है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता है कि प्रॉफिट कब होगा प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट मूव करेगा साइडवेज हो गया आपने ट्रेड लिया आपने सोचा मार्केट ऊपर जाएगा मार्केट अगर साइडवेज हो गया तो भी लॉस मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो भी लॉस ठीक है लोग ऑप्शन मैक्सिमम लोग क्यों कर रहे हैं आजकल मैं आपको बताता हूँ डेफिनेटली अच्छी चीज़ है कुछ लोग इसलिए भी कर रहे हैं ओ लेके जिनके पास कैपिटल कम है कैपिटल कम है ओ स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो थीटा डी के फास्ट होता है आपको वैसे ही लॉस होने लगता है ठीक है साइडवेज हो गया फिर अगेंस्ट चला गया तो यहाँ पे आपको उसी कैपिटल पे अच्छा मार्जिन मिलेगा जिससे कि आप वो थीटा डी के टाइम डी के वाला ल, 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 लफड़े से बच जाओगे और आपको मूवमेंट का प्रॉफिट होगा अगर मार्केट मूव नहीं करेगा तो आपको लॉस नहीं होगा मार्केट मूव नहीं करेगा तो आपको लॉस नहीं होगा जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर्स स्पेशली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एक बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है बिकॉज आप लिवरेज मिल जाती है तो आपको वो ऑप्शन में जो लेवरे वाला प्रॉब्लम रहता है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा एक बार फिर से बता दो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा अकाउंट ओपनिंग के लिए पार्टनर कोड यूज कर लीजिए जिससे कि आप जब अकाउंट ओपन कर लें तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड फ्री में कर देंगे जब आप अकाउंट ओपन कर लेंगे तो हम हम लोग यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा तो देखिएगा जैसे हमने साइन इन पे क्लिक किया हम लोग यहाँ पे जाएंगे एक्सटर्नल टर्मिनल पे ये हम लोगों का टर्मिनल है जहाँ पे हम ट्रेड करने वाले हैं तो फ्रेंड्स जैसे हम लोग का लॉग इन हो जाएगा हम लोग क्लिक करेंगे एक्सटर्नल टर्मिनल पर हम लोग का वेब टर्मिनल ओपन हो जाएगा अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाइस तो ये सेम प्लेटफॉर्म है जैसे जरोधा एंजल ऑफ स्टॉक्स फायरधन होते हैं यहाँ पे आप सेम तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो अब देखिए अभी मार्केट बंद है बिकॉज सैटरडे है सैटरडे संडे को मार्केट बंद रहता है वैसे 24 फोर बाई सेवन ओपन रहता है अगर आप स्टूडेंट हैं आप जॉब करते हैं तो आप शाम को आराम से ट्रेड कर सकते हैं और आपको बढ़िया वॉल्यूम एंड मूवमेंट देखने को मिलता है ये करेंसीज है आप चाहे तो अपनी वो वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं बढ़िया चीज़ है और जिस मैंने अपनी ट्रेडिंग व्यू पर बनाई है तो यहाँ से भी हम एडवांटेज ले सकते हैं और यहाँ पर सेम तरीके से बाइंग सेलिंग कर सकते हैं जैसा कि मैंने बोला है फर्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगा ट्रेड कैसे करते हैं एम से कैसे इंटीग्रेट करते हैं मेरी दो सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी जो फॉरेक्स में काम करती है आपको मैं वो बताने वाला हूं आपको बहुत बढ़िया मज़ा आएगी डेफिनेटली एडवांस होगा अगर इस पर बहुत बढ़िया सपोर्ट आएगा तो तब तक आप अकाउंट ओपन कर लीजिए केवाईसी कर लीजिए केवाईसी बहुत ज़्यादा इशू नहीं है फंड ऐड कर लीजिए और मैं लाइव भी आता हूँ फॉरेक्स के लिए लाइव आता हूँ डेली आठ बजे शाम को आठ से नौ बजे के बीच में वहाँ पर ज्वाइन करके और बीचिए सीख सकते हैं जैसे हम लोग चार्ट ओपन करना है ऐसे गोल्ड का ट्रेड करना है तो गोल्ड पर आप देख सकते हो गोल्ड का मैंने चार्ट ओपन कर दिया और आप चाहो तो देखो तो सेम सपोर्ट रेशेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है मैं चार्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए देखिए ट्रेड आप इस पर करेंगे आप चाहे तो एनालिसिस अपना क्या बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे कर सकते हैं ठीक है थोड़ा सा क्योंकि हम लोग आदत होती है तो वही सेम पैटर्न है अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक सपोर्ट था और इस ट्रेड को हमने किया भी था यहाँ पे देखिए वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम डिसेंडिंग सैमुलर पैटर्न ब्रेकडाउन स्विंग एसविंगाई स्टॉप लॉस और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंट्री बनती थी ये स्टॉप लॉस था और देखिए आपको कितना बढ़िया रैली देखने को मिली है सेम जैसे स्टॉक मार्केट काम करता है वैसे ही चार्ट यहाँ पे भी हैं और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए तो गाइज़ आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर करी फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है क्यों फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी चाहिए क्या एडवांटेजेस है लीगलिटी पे बात करी पिप्स क्या होते हैं लॉट साइज क्या होती है रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कितना मार्जिन मिलता है कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए सेम चार्टिंग प्लेटफॉर्म है जैसे कि हम लोग जरोदा एंजल और रिलायंस और एक्सेट्रा स्टॉक्स को देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर ऑप्शन के चार्ट को सेम प्राइस एक्शन यहाँ पे काम करता है थोड़ी चीज़ें चेंज होती हैं थोड़ी सी वो लाइव आएंगे तो क्लियर हो जाएगा ये बेसिक वीडियो है अकाउंट ओपन तब तो तक तो कर लीजिए फंड ऐड करके आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा व्हाट्सअप नंबर आपको मैं टाइप करके बता देता हूँ ठीक है सेवन नाइन एट फाइव टू फोर सिक्स जीरो सिक्स जीरो आप जैसे ही हमें व्हाट्सअप करेंगे अकाउंट ओपन करने के बाद तो आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा वहाँ पर मैं आपको एक लगभग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का फ्री कोर्स दूंगा ठीक है लर्निंग के लिए और मैं लाइव आता ही हूँ तो आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है तो गाइज आज के लिए वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए सपोर्ट बना के रखिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिससे कि आपकी ट्रेडिंग और इंप्रूव हो सके थैंक यू सो मच गाइज जय हिंद बाय